निर्भया से बात की। निर्भया का गुनहगार आजाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार नहीं बार बार दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन से पूछा कि आखिरकार इस शख्स को अगर हिरासत में रखा जाए तो किस कानून के तहत, जिसका जवाब नहीं मिल पाया। कानून कोई नहीं है आज की तारीख में गीता जी, कोर्ट ने बार बार पूछा डीसीडब्ल्यू से कि किस कानून के तहत इस शख्स को हम हिरासत के अंदर रखें। एक सवाल कि अगर मान लीजिए राज्यसभा संसद इस दौरान कानून को पारित कर लेती तो क्या निर्भया के गुनहगार को हिरासत में रखा जा सकता था? नहीं, उसको नहीं रखा जा सकता, नहीं रखा जा सकता था। कानून में, क्रिमिनल लॉ के कानून में, फौजदारी कानून में रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं होती, और सिविल कानून में भी अनलेस के वो बिल्कुल स्पेसिफिकली रेट्रोस्पेक्टिव बनाया जाए रेट्रोस्पेक्टिविटी नहीं होती। प्रोसीड्रल लॉ में रेट्रोस्पेक्टिविटी होती है। अगर निर्भय के जो गुनाहगार हैं उनकी जब ऑफेंस हुई थी वो 16 दिसंबर तीन साल पहले 2012 में हुई थी, और ये जो अगर कानून में परिवर्तन भी आता तो ये प्रोसीड्रल नहीं है, ये सब्सटेंसिव है, तो ये फ्यूचर में अप्लाई हो सकता था, पुराने गुनाहगारों को नहीं हो सकता। उस टाइम जब ऑफेंस हुई थी 16 दिसंबर 2012 में, अगर उस टाइम जुविनाइल्स का कानून ये था कि उनको खाली 3 साल के लिए रिमांड होम में रखा जा सकता है, तो उस कानून में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वो फ्यूचर के केसेस में जरूर आ सकता है,